हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो ये बहुत सारी बाइकें देख के तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये ब्लॉग किस पे बनने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही आप लोग गैस करें। ये अभी हम एक बाइक रेंट करने वाले हैं यहाँ पे लोकल में घूमने के लिए, लेकिन उसमें क्या क्या आपको हो सकता है ठगी या स्कैम, वो सब ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो बहुत सारी बाइकें हैं, बहुत सारी शॉप है, बट और मैं ये यहाँ पे आ गया हूँ, ये कुल्लू मनाली विजिट करके रेंट अ मोटर बाइक शॉप का नाम। तो गाइज, अभी मैं जैसे यहाँ पे आ गया हूँ बाइक रेंट के लिए, एंड मैं यहाँ पे आया हूँ, ये अप्रोक्सीमेट होटल विक्रांत के पास ही है, नियर बाई है, नियर टू मॉल रोड, एंड यहाँ पे मैं बाइक रेंट के लिए। तो जस्ट मैं थोड़ी सी डिटेल्स पहले सर से ले लेता हूँ। तो सर, आपका नाम क्या हो गया, नाम बता देते। मेरा नाम सोनम है। अच्छा जी, एंड मोटर बाइक के नाम से चलता है। सॉरी, कौन सा मोटर बाइक? रेंट मोटर बाइक। अच्छा, या कुल्लू मनाली विजिट के नाम से भी चलता है। तो स्कूटी का मतलब इसका रेंट कैसे क्या होता है, एंड स्कूटी से स्टार्ट करते हैं। स्कूटी देखो, सीजन ऑफ सीजन के हिसाब से रेंट करता पड़ता है। अभी का टाइम लिया जाए तो जैसे जनवरी एंड है, काफी रश चला हुआ, 700 रुपए चला हुआ, और थोड़ा और पीक सीजन में 800 तक चलता है। ओके, अभी तो स्कूटी यहाँ पे है नहीं, सब निकल रखा है। बाकी जैसे ये एक्सेस है, एक्सेस के दो तीन दिख रहे हैं आपको, बाकी ये 350 क्लासिक एंड हिमालयन भी बहुत है। बाकी ठीक है, और पूछते डिटेल्स, एंड और हिमालयन का क्या रेट चलता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या? हिमालयन का अभी 1200 चला है। okay. सीजन में थोड़ा मई जून में बता के सीजन हाँ। में 1500 से 1200 तक चलता है, उसमें हाई हो जाता है। और क्लासिक 350 और क्लासिक 350 ये जो मैंने लिया है, ये वाला तो आपका लेटेस्ट मॉडल है, एंड कुछ एक दो साल पुराने मॉडल भी है, बाकी तो वहाँ जाके अभी देखते हैं। अच्छा अच्छा, और बाकी रेंट से पहले तो बाकी सारा सर्विसिंग करके देते हो? मैंने यहाँ पे आपका वो देखा, गैराज है, रास्ते में रुक जाए तो हमें ही जाना पड़ता ना, इससे पहले अच्छा, हम अच्छा। पहले ही रेडी करके रखते हैं। ओके, बस बाकी कोई दिक्कत ना हो हम जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यही है अभी बाइक रेंट का, और बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट लोकल घूमने के लिए 2000 रुपये पर बाइक सिक्योरिटी, और जैसे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से सिक्योरिटी बढ़ता रहता है। बाइक पे कोई बाइक को लेने जाना पड़े तो उस हिसाब से सिक्योरिटी रहना पड़ता है। ओके, एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होगा, जैसे कि आप बता रहे थे कुछ, अगर कुछ खराबी होता है या ये होता है, या मतलब हमारी मिस्टेक से या कुछ ऐसा? बाकी तो लिखा ही है वैसे तो, हाँ, वो क्लच प्लेट और फिजिकल डैमेज हो गया, वो तो गेस्ट कस्टमर का रहता है। बाकी ये जैसे हमारी पर्ची है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सारा लिखा हुआ है। बाकी हार्डली यहाँ पे ज्यादा कुछ तो ऐसा होता नहीं है, बस अगर बाइक की देखा जाए तो क्लच प्लेट ही खराब होता है, बिकॉज लोग जैसे जो अनट्रेंड रहते हैं वो थोड़े डर डर के चलाते हैं। बाकी तो अब सेफ ड्राइव तो खुद की जिम्मेवारी है, आराम से जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं है। टर्म कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, रूट के रूल्स, लाइसेंस और आधार कार्ड वगैरह। ओके, ठीक है, थैंक यू। बाकी मैं बाइक एक बार विजिट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कैसे क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सुबह के टाइम एक बार फोटो लेना। हाँ, बाइक यहाँ के पास आपको बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। ये हिमालयन स्क्रम 411 है, ये यहाँ पे क्लासिक 350 है, एंड हिमालयन एंड क्लासिक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। और स्कूटी भी है, स्कूटी एंड टॉर के TVS की वो भी मिलेगी, उसका भी ग्रिप अच्छा माना जाता है पहाड़ों पर, बट ठीक है, मैं तो खैर ये क्लासिक 350 लेने वाला हूँ, और ये सारे आपको लेटेस्ट मॉडल मिलेगा। इनमें से कुछ आपको ठीक है 2018-2019 के भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पे इनसे मेरी बात हुई तो ये कह रहे हैं कि 2022 मतलब 2022 की है, ऑलमोस्ट सब वही है, और देख के भी आपको कंडीशन देख के भी बिल्कुल न्यू लगेगी, जैसे कि ये सब आप देख ही रहे हैं। और अभी क्या क्या होने वाला है इसमें, स्कैम क्या कर सकते हैं, वो सब भी डिस्कस करूँगा जब मैं रेंट कर लूँगा बाइक, फिर उसी अपनी बाइक पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर। बाकी ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा एड्रेस कहाँ पर है ये। बाकी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, सारे न्यू बाइक्स हैं, और देख ही रहे हो आप कंडीशन आपको साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल ही मतलब बढ़िया है, चमक रहा है। और आपको यहाँ पे किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बाइक रेंट करने के लिए। और सिक्योरिटी भी बहुत ही कम है लोकल के लिए, ओनली 1000 रुपीज़ सिक्योरिटी और 1000 रुपीज़ क्लासिक 350 का रेंट।
बाकी वीडियो में बने रहे। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे बाइक रेंट करने आ गया। हमने यहाँ पे ये दो बाइक लिया है, हिमालयन एंड ये 350। ये दो भाई हमारे हैं, कहाँ से हो भाई? बोलिया नोएडा एंड गुड़गांव। हाँ, हिमालयन का प्राइस यहाँ पे अप्रॉक्स हमें 1200 दिया है एंड इसका 1000, बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 to 4000 लिया है। और अब यहाँ पे हम सिक्योरिटी पर्पस से, कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, इसलिए बाइक की वीडियो बनाने आए हैं। यहाँ पे देखो, नंबर प्लेट में छोटे मोटे डेंट हैं, बाकी ये फाइन। यहाँ एक स्क्रैचेस है, ओके, ये सब तो ठीक है। बाकी मैं बस इतना कहूँगा कि क्लच प्लेट का खास ध्यान रखना, बिकॉज वहीं पे मेन फ्रॉड करते हैं, जिससे 4000 से 4500 रुपये आपका चूना लग सकता है। और वीडियो जरूर बनाएं, जब भी बाइक रेंट करो तो वीडियो जरूर बनाएं, और उन्हें बता देना कि मैंने वीडियो ले लिया, कि किसी तरह से बाद में कोई ड्रामे ना हो। मैंने भी ऐसा किया, बट ये सोनम नाम है इनके, यहाँ पे जो भी इनके मैनेजर या ओनर हैं ये रेंटल सर्विस का, और ये काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी प्रॉब्लम आपको और कहीं नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग राइड के लिए जैसे हम लद्दाख साइड जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत, बट ठीक है, आप केयरफुली जाएं, वीडियो बना के जाएं, तो कोई ऐसे स्कैम नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाकी गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा कॉमेंट जरूर करें।